नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेड। बछौरा गांव के मजरों में नहीं पहुंचा विकास, ग्रामीणों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? उन्नाव जनपद के विकास खंड हिलौली की ग्राम सभा बरवा कला बछौरा के अधिकांश मजरों में विकास का लगा टोटा। जहां पर समाचार टीजेड की टीम ने सघनता से पड़ताल की तो पता चला कि नाली, सड़क, खड़ंजा जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं ग्रामीण, अपनी ही दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। बछौरा के रामदयाल खेड़ा गांव के लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान चुनावी रंजिश के कारण हम ग्रामीणों के साथ सदैव सौतेला व्यवहार करता है, क्योंकि बछौरा का एक मजरा है सूखा खेड़ा, जहां पर इंडिका मार का हेडपंपों में फ्लोराइड युक्त पानी निकलता है, जिससे वहां के निवासी असमय ही बीमार पड़े रहते हैं। स्वच्छता मिशन के तहत मिलने वाले शौचालय की बात पूछी गई तो सभी ग्रामीणों ने एक स्वर में बताया कि पूरे गांव में एक भी शौचालय सरकार की तरफ से नहीं मिला है। यह अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सवाल तो यह भी है कि ग्राम प्रधान चुनाव के समय बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा करने में ग्राम प्रधान फेल नजर आते हैं। सरकार ने अक्टूबर माह में ODF घोषित करने का लक्ष्य लिया था, लेकिन इसे ग्राम पंचायत का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि धर्मेंद्र श्रीवास्तव जैसे भ्रष्टाचार में डूबे ग्राम विकास अधिकारी का तैनात होना तथा विकास कार्यों में सबसे बड़ी बाधा पहुंचाने का काम कर रहा है। सरकारी स्कूलों का यह आलम है कि शिक्षक तो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जो मीठा जहर इंडिका मार का हेडपंप से निकल रहा है, उससे खाना बनाना और उसका पानी बच्चों को पिलाना, असमय ही उन्हें एक बड़ी बीमारी की तरफ धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं चंदन खेड़ा के विद्यालय के अध्यापकों द्वारा जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत की है, लेकिन शिकायत का असर ग्राम प्रधान के ऊपर नहीं पड़ा। शिक्षा पर बल देने वाली योगी सरकार अगर स्वास्थ्य पर भी बल दे तो भावी पीढ़ी शायद विकास की ओर बढ़ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। समाचार टीजेड के प्रतिनिधियों ने गांव में शौचालय और आवास की क्या स्थिति है पूछा तो ग्रामीणों ने कहा कि शौच के लिए महिलाएं और बच्चे खेत और जंगलों की तरफ जाते हैं। सरकार की कोई भी सुविधा रामदयाल खेड़ा में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्रामीण इलाकों को देखने तक नहीं आते हैं। वहीं किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों का कहना था कि जब नहरों में पानी आता था तो धान की फसल बहुत जबरदस्त होती थी, लेकिन आज 30 से 40 वर्ष हो गए नहरों में पानी नहीं आया, जिससे यहां की प्रमुख फसल धान की फसल चौपट हुई है। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन भी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदार ग्राम के प्रधान हैं। अब बात यहां पर आती है कि ग्राम प्रधान सरकार के द्वारा आए हुए धन में लूट करने से फुर्सत मिलती नहीं है, तो ग्रामीणों की तरफ तथा जनता के दुख दर्द को क्या जाने। फिलहाल समाचार टीजेड की प्रस्तुति में अगली कड़ी में देखेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी धर्मेंद्र श्रीवास्तव के भ्रष्टाचार की दास्तान। समाचार टीजेड के लिए उन्नाव से मनीषा माधव के साथ पुनीत कुमार की रिपोर्ट। तुम्हार का नाम है कलावती। कलावती, लैट्रीन मिली तुमका? प्रधान जी से कभी नहीं कहा? कहन तो कुछ नहीं, हम कल देर न कालूनी न लैट्रीन न पेंशन कुछ नहीं। किस गांव में रहते हो? रामदयाल खेड़ा। अच्छा, ये बताइए पूरे गांव में आवास और शौचालय क्या बने हुए हैं? या को नहीं भी बने। कॉलोनी किसी को मिली है? कॉलोनी पहले एक आदमी एक दिखा मिली, अब नहीं मिली। कब मिली थी वो? दस बारह साल हो गए प्रधान। नहीं, आज तक क्या लैट्रीने जो सरकार दे रही है वो लैट्रीने आपको मिली है? या को नहीं मिली। अच्छा, ये बताइए ये आवास और शौचालयों की क्या है यहाँ पर स्थिति? यहाँ 100% में 0% है, एक भी नहीं बना आज तक, एक भी लैट्रिन नहीं बनी। अच्छा, पूरे गांव में कहीं भी नहीं। ग्राम प्रधान से कभी कहा? ग्राम प्रधान खुद है पन उल्टा सीधा बताओ थे जब बताओ खुद ना, अब उनका न हो अब नंबर हुआ, ये नंबर हुआ अंत्य हो रहा है।